तो वी विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 अगेन। अब कल हमने इसका आधा पार्ट किया था, आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो पांच प्लेट्स है, एरिया सबका सेम, डिस्टेंस सेपरेशन सब में सेम। पांच प्लेट मतलब टोटल कितने कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर्स, वेरी गुड। तो अब से डिपेंड करता है बुक टू बुक, बुक टू बुक यू में है डिफरेंट नोटेशंस। तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्लेट्स, तो ये एक प्लेट हो गया, उसमें से आई विल ड्रॉ 5 सच प्लेट्स। ये जस्ट रेफरेंस लाइन है, इसको हटा देंगे बाद में। यू हैव 5 प्लेट्स, प्लेट नंबर 1, 2 एंड देन यू हैव 3, 4 एंड 5, टोटल 5 प्लेट्स आएंगे। गुड, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एनी टू प्लेट्स इज सेम, ऐसा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक अ सर्किट आउट ऑफ इट, इसमें से एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इफ यू लुक एट द डायग्राम, पहला फर्स्ट एंड फोर्थ दे आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर, फर्स्ट एंड फोर्थ दे आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर, तो ये और ये दे आर कनेक्टेड। देन थर्ड एंड फिफ्थ दे आर कनेक्टेड। देन जो सेकेंड प्लेट है इट इज गोइंग टू टर्मिनल पी एंड देन फ्रॉम हियर यू हैव टर्मिनल क्यू, तो यहाँ पर टर्मिनल क्यू है, राइट। तो अब गिव सम नंबर्स, डजंट मैटर क्या नंबर दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करने को लगेगा। ये जो पहला ऊपर का प्लेट है मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पे 1, देन 2, देन 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, राइट। देन टोटल 4 कैपेसिटर बनेंगे और वो 4 कैपेसिटर होंगे बिटवीन पी एंड क्यू। तो पहले से ही अरेंजमेंट करके रखो, यहाँ पे एक पी टर्मिनल जाएगा एंड समवेयर ओवर हियर यू हैव अनदर टर्मिनल क्यू। तो आपके पास दो टर्मिनल आएंगे, पी टर्मिनल एंड क्यू टर्मिनल, राइट। देन इफ यू सी फर्स्ट प्लेट मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ बी प्लेट, इसको बोल देता है सी प्लेट, डी प्लेट, ई प्लेट एंड एफ प्लेट। तो बी प्लेट का इनर सरफेस और सी प्लेट का ऊपर का सरफेस दे विल मेक 1 कैपेसिटर। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई, सबसे पहले देख लो कि पी लाइन, ये पी लाइन है, पी लाइन 2 और 3 को जा रहा है, तो पी लाइन 2 और 3 को जा रहा है, तो यहाँ पे यहां से एक प्लेट ले लेंगे, दिस इज 1 प्लेट। सिमिलरली एक प्लेट नीचे लेंगे, तो पी लाइन कहाँ गया, पी लाइन गया 2 एंड 3 को, तो दोनों में से किसी भी एक को 2 बोल दो, एक को 3 बोल दो, एनी वन ऑफ योर चॉइस, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। तो P ऊपर का 2 नीचे 3, 2 एंड 3, करेक्ट। देन Q लाइन, इफ यू सी Q ये जा रहा है D प्लेट को और F प्लेट को, D प्लेट में 4, 5 है और F प्लेट में कितना है 8, तो Q यहां से 3 अलग अलग लाइन कनेक्शन निकलेंगे, लेट अस से एक कनेक्शन जाएगा यहाँ पे, टेक इट समवेयर ओवर हियर, देन एक कनेक्शन में यहां से ले लेता हूँ डायरेक्टली, डजंट मैटर, और एक कनेक्शन यहां से ले लेता हूँ, गुड। तो टोटल 3 है, कौन से 3, 4, 5 एंड 8, करेक्ट, 4, 5 एंड 8। देन रिमेंबर एक बार आपने ये कनेक्शन ले लिए, देन बी लिटिल केयरफुल, 4 और 5, 4 और 3 में एक कैपेसिटर, तो यहां पे जो मैं ड्रॉ करूंगा दिस इज 4 नंबर, क्योंकि 3 एंड 4 वन कैपेसिटर, 4 डायरेक्टली गोइंग टू क्यू, 4 डायरेक्टली गोइंग टू क्यू, करेक्ट। देन उसके बाद क्या था, क्यू से और कौन आ रहा है, 5, क्यू से 5 और 8, राइट। 5 एंड 6 वन कैपेसिटर, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 1, लेकिन इफ यू सी ये 6 और 7 दे आर कनेक्टेड टू कॉमन ऊपर का प्लेट 1, तो 1 नंबर से आपको 2 प्लेट्स निकलेंगे, एक होगा 6, एक होगा 7। ये प्लेट अगर मैं 1 नंबर मानता हूं, इफ आई टेक दिस टू बी 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर प्लेट, यहां से जाएगा एक 6 एंड 1 विल गो 7,
मोर और लेस डन, लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया। वन ये प्लेट है, वन वन इज कनेक्टेड टू सिक्स एंड सेवन, वन इज कनेक्टेड टू सिक्स एंड सेवन, राइट। दोनों में से किसी को भी सिक्स बोलो किसी को भी सेवन बोलो, डजंट मैटर, इज द सेम थिंग। नोटेशन आप चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेवन और एट में एक था, और एट किसको कनेक्टेड था, क्यू को। तो सेवन और एट में एक था, ये था एट, और एट कनेक्टेड है डायरेक्टली क्यू को, राइट डन। सिक्स और फाइव में एक है एंड फाइव इज कनेक्टेड टू क्यू, तो ये आ गया आपका प्लेट नंबर फाइव। तो दिस इज हाउ इट इज, करेक्ट। ये आपका बन गया सर्किट, अच्छे से देख लो। पांच प्लेट, चार कैपेसिटर, वन टू थ्री फोर, डिस्टेंस बिटवीन ईच रिस्पेक्टिव कंसेक्यूटिव टू प्लेट्स इज डी, एज ऑफ ईच प्लेट इज सेम। पी ये किसको किसको ज्वाइन था, टू एंड थ्री, पी टू एंड थ्री, क्यू फोर फाइव एट, क्यू फोर फाइव एंड एट, करेक्ट। देन ये जो प्लेट नंबर वन है, ये सिक्स और सेवन, प्लेट नंबर वन सिक्स एंड सेवन, फाइव एंड सिक्स में एक कैपेसिटर, फाइव एंड सिक्स में एक कैपेसिटर, सेवन और एट में एक कैपेसिटर, सेवन एंड एट में एक कैपेसिटर, थ्री एंड फोर में एक कैपेसिटर, थ्री एंड फोर, वन एंड टू, वन एंड टू, हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। क्लियर है तक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक अ सर्किट। अब कुछ नहीं, इट इज जोक नाउ, इट इज सिंपल, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला ऑफ सी, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी। कहीं पे भी डायलेक्ट्रिक नहीं है, वो भी अगर कॉम्प्लिकेट करना हो तो मैं कहीं पे एक में डायलेक्ट्रिक भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आई कैन पुट, राइट। तो मे बी जस्ट टू टेल यू वन मोर टाइप ऑफ एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूंगा, हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो फाइव और सिक्स में, फाइव और सिक्स में यहाँ पे होगा डायलेक्ट्रिक, अगर ऐसा करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, दे कैन गिव यू सच एग्जाम्पल, राइट। तो एनी वेज फिलहाल जो है वो सॉल्व करेंगे, फिलहाल ऐसा है, गुड। तो सारे के सारे प्लेट्स का एरिया क्या था, सेम, सारे के सारे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या था, सेम, मतलब कंसेक्यूटिव में डिस्टेंस सेम था, तो सबका कैपेसिटेंस क्या आएगा, सेम, मतलब ये भी सी है, ये भी सी है, ये और ये सब सी है। तो एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, इसको बोलता हूँ सी वन, इसको बोलता हूँ सी टू, सी थ्री एंड सी फोर। तो सी टू एंड सी थ्री दे आर इन पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, राइट, करेक्ट। अगर आपको नाम नहीं देना है तो भी चलता है, डजंट मैटर, सिर्फ फिर आइडेंटिफाई करो, दैट इज मच मोर इजी। तो ये दोनों, दिस टू आर इन पैरेलल, और दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो सेम कैपेसिटी के दो अगर पैरेलल में हो, if you have two parallel capacitors of the same capacity, what is equivalent, c and c in parallel, kitna 2c, c and c in series kitna c by 2, to bahut fast hona chahiye, in dono ko hata ke ek single laga sakte ho, remove these two and put a single 2c, kyunki ye jo do the ye parallel mein the, पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है, तो कितना आ गया 2c। अब मैं प्लेट्स के नंबर को हटा देता हूं, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, प्लेट के नंबर को हटा दो, अब कुछ नहीं है। अब ऊपर का 2c और c, दे आर इन सीरीज, तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, c1 c2 upon c1 plus c2 c into 2c 2c square, अपॉन सी प्लस टू सी थ्री सी, टू सी स्क्वायर अपॉन थ्री सी इज टू सी बाय टू, एक है सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, टू सी स्क्वायर अपॉन थ्री सी, तो टू सी बाय थ्री, तो ये हटा के सिंगल लगाओगे, दैट विल बी टू सी बाय थ्री, तो दिस विल बी टू सी बाय थ्री। तो ये सर्किट एज इट इज, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, only change that you will have is, इसको यहां से remove करो and just put one, एक ही लगेगा वहां पे, और वो एक होगा कितना, कितना 2c by 3, तो it will be 2c by 3,
तो ये आ जाएगा 2C/3। अब 2C/3 और C पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या आता है, फाइनल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2C/3 प्लस सी कितना 5C/3। 5/3 सी कितना था, ए इप्सिलॉन 0/डी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 5/3 ए इप्सिलॉन 0/डी। तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट, ये आपको मिलना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 5A/0/3D। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर अच्छे से डायग्राम को देखोगे तो ए और बी में आपको इक्विवेलेंट पूछा है, यू हैव K1, K2, K3 एंड देन 1 देयर इज K, सो K4 मान लेंगे, डिस्टेंस इज D/2 एंड D/2। तो पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट वी हैव इज, हमारे पास दो प्लेट्स है, यू हैव टू प्लेट्स, इन दिस केस प्लेट्स आर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है हमारे पास। इस हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। इस डिस्टेंस में हाफ हाफ डिस्टेंस मतलब डी बाई टू, नीचे एक सिंगल डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू आई थिंक इट इज 4, वी विल चेक व्हाट इट इज गिवन टू अस, देन इट इज 2। ऊपर तीन सब्सटेंस है, K1 इक्वल टू 3, K2 इक्वल टू 6 एंड K3 इक्वल टू 9, A/3, A/3 एंड A/3। तो ऊपर तीन अलग अलग सब्सटेंस है, अप टू 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस, यू हैव 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस, देन यहाँ पे आ गया ये एक, इसका एरिया कितना बोला है A/3, देन यू हैव वन मोर राइट नेक्स्ट टू इट, और एक है यहाँ पे, अगेन व्हाट इज एरिया A/3। तो अगर एरिया पे डिवीजन हो देन पैरेलल, तो दे आर इन पैरेलल। तो ऊपर के जो तीन कैपेसिटर है दे आर इन पैरेलल, तो ये तीन दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। ऐसा सिस्टम है, इसमें सबसे पहले ये K1 इसकी वैल्यू 3 है, ये K2 इसकी वैल्यू 6 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6, एंड देन K3 इज इक्वल टू हाउ मच 9, एंड देन लेट अस कॉल दिस K4 इज इक्वल टू 2। ये डिस्टेंस D/2, ये डिस्टेंस D/2, यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया और यहां से लेके यहां तक का एरिया, ऑल दिस आर A/3, तो A/3, A/3 एंड A/3, तो तीन है, A/3, A/3 एंड A/3। यहाँ पे ए है और ये है बी टर्मिनल, तो आपको पूछा है व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सिंपल। तो ऊपर के जो तीन कैपेसिटर है इसको बोलते हैं C1, C2, C3 एंड नीचे को बोलते हैं C4। तो C1, C2, C3 दे आर इन पैरेलल, क्योंकि डिवीजन किस पे है, एरिया पे। तो दिस इज कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 एंड कैपेसिटर C4, राइट। तो C1, C2, C3 दे आर इन पैरेलल, और जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला, के ए इप्सिलॉन 0/डी, करेक्ट। तो C1 विल बी इक्वल टू K1 A1 इप्सिलॉन 0/D1। K1 की वैल्यू है 3, A1 इज A/3, इप्सिलॉन 0, डी इज D/2, कैंसल एंड कैंसल, तो यह आ जाएगा 2A/0/D, यह है C1। सिमिलरली C2 विल बी K2 A2 इप्सिलॉन 0/D2। What is K2? 6. A2 is A/3, epsilon 0/D/2, क्योंकि इसका भी थिकनेस कितना है D/2, 1 and 2 जा, तो C2 इक्वल टू 2, ये 2 ऊपर गया, 2A/0/D, लेकिन 2A/0/D कितना था C1, तो क्या आएगा 2C1, this is 2C1। अगर K1 3 है, तो C1 is
टू ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी, के टू सिक्स है तो कितना आया टू सी वन, के थ्री कितना है नाइन तो थ्री सी वन, राइट। तो सॉल्व करते करते ही शॉर्टकट सीख लो, तो सी थ्री विल बी के थ्री, व्हाट इज के थ्री नाइन, ए थ्री व्हाट इज ए थ्री एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी बाय टू, वन जा एंड थ्री जा, ये टू ऊपर जाएगा तो इट विल बी थ्री सी वन, राइट, थ्री सी वन। देन सी फोर विल बी के फोर ए फोर एंड एप्सिलॉन जीरो बाय डी फोर, के फोर इज टू, ए फोर इज ए क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है एरिया पे, कंप्लीट एरिया ए एंड डिस्टेंस इज डी बाय टू, ये ऊपर जाएगा तो फोर मतलब टू सी वन, राइट। उसमें से एज यू कैन सी सी वन सी टू एंड सी थ्री आर इन पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका रिजल्टेंट आएगा सी पी विच इज सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी वन इज सी वन, C2 is 2C1, C3 is 3C1, तो total 6C1. और ये CP, it is in series, series ना? D by 2, series. तो ये CP is in series with C4. ये तीनों का parallel combination, right? ये तीनों का parallel combination is in series with C4. ये terminal ऊपर है. तो अच्छे से ध्यान दो, ये पूरा ब्लॉक हाउ यू हैव टू इमेजिन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसको क्या नाम दिया CP। अब ये पूरा का पूरा एक सिंगल कैपेसिटर बन गया, इस सिंगल कैपेसिटर का वैल्यू क्या आया CP, दैट इज 6C1। अब ये एक कैपेसिटर 6C1 और नीचे का कितना C4, आर दे इन पैरेलल और इन सीरीज, सीरीज D by 2 का एक कैपेसिटर, D by 2 का दूसरा कैपेसिटर, तो दे आर इन सीरीज, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन नाउ नाउ व्हाट यू हैव इज नाउ CP एंड C4 आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज, so therefore final equivalent CP into C4 upon CP plus C4, CP kitna aaya 6C1, C4 kitna tha 2C1, 2C1 upon 6C1 plus 2C1, to kitna aa gaya ye 12C1 square upon 8C1, ek aur ek cancel, how much 3 by 2, 3 by 2 C1, what is 3 by 2, what is C1, 2A epsilon 0 by D, cancel and cancel, तो कितना 3A epsilon 0 by D, ऐसा होना चाहिए, option number A 3 epsilon 0 A by D, alright, तो याद रखना a by 3, a by 3, a by 3 मतलब parallel, d by 2 and d by 2 series, तो ऊपर के a by 3, a by 3, a by 3 मतलब total 3 in parallel and इन तीनों का parallel combination in series with C4, तो ऐसा solve करना है and that's it। Next question, two metal spheres, दो metallic sphere है, one of radius capital R and the other of radius 2R, both have same surface charge density, radius अलग अलग है मतलब volume अलग है, surface area भी अलग है, normally surface charge density मतलब surface पे charge होगा volume में नहीं, they have same surface charge density but different radius, दोनों का density कितना है sigma, if they are brought in contact and separated, you bring them together and separate, then the new surface charge density one each of the sphere are respectively. So when you bring them together and then you separate, what is the surface charge density? So पहले तो question अच्छे से समझ लो। What do you have is you have two spheres. एक का radius r है, तो दूसरे का radius 2r है. So something like this. दोनों पे density same है. Density same होना मतलब charge same होना नहीं होता है. Amount of charge may be they will be different for sure,
इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, और इसका रेडियस टू आर है. लेट अस से इस पे चार्ज है क्यू वन और इस पे चार्ज है क्यू टू. सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया. तो सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया. तो चार्ज इज सिग्मा इनटू एरिया. तो चार्ज इज सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. पहले का चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर1 स्क्वायर. आर1 इज आर. दूसरे पे इट इज सिग्मा इनटू 4 पाई आर2 स्क्वायर. व्हाट इज आर2? 2R. तो 2R का स्क्वायर. तो Q2 विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई 2R का स्क्वायर. तो Q2 इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4. 16 लिखना नहीं है हमको, 4 बाहर निकाल लिया. सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4. वो 4 को बाहर निकाल लिया. 4 पाई सिग्मा, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर. करेक्ट. ये 4 क्यों बाहर निकाला? ये दिस इज Q1. तो Q2 इज 4 टाइम्स ऑफ Q1. राइट. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब क्या होगा व्हेन यू ब्रिंग देम टुगेदर. अगर आपको याद है हमने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था. अगर याद होगा दो चार्जेस को, दो स्पीयर को टच किया, फिर वापस सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया तो हाफ एंड हाफ. लेकिन उस केस में दोनों स्पीयर का साइज सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा हाफ एंड हाफ, बिकॉज यू कैन नॉट बी हाफ एंड हाफ नाउ. तो व्हाट हैपेंस इज वन मोर थिंग. जब दो स्पीयर, चार्ज स्पीयर कॉन्टेक्ट में आते हैं, देयर पोटेंशियल बिकम सेम. मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हो जाएगा सेम. तो रिमेंबर व्हेन टू कंडक्टर्स टच ईच अदर देन द पोटेंशियल बिकम्स सेम. राइट. तो ये कब हुआ? व्हेन टू कंडक्टर्स आर इन कॉन्टेक्ट. तो व्हेन टू कंडक्टर्स आर इन कॉन्टेक्ट देयर पोटेंशियल्स बिकम सेम. देन व्हाट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑफ अ स्फीयर? 1/4 pi epsilon 0 q by r. But this time टच करने के बाद चार्ज सेम नहीं रहेगा. चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल नहीं होगा. हमको पता नहीं कैसा होगा, बट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. दो कंडक्टर्स, दोनों पे चार्ज है, दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड. तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमको पता नहीं, लेकिन हमको जो पता है वहां से स्टार्ट करेंगे. 1/4 pi epsilon 0 q1 dash. डैश क्यों बोला? क्योंकि टच करने के बाद when they were in contact with each other charges का क्या हुआ? redistribution. मतलब अभी q1 कितना बन गया? q1 dash और q2 कितना हो गया? q2 dash upon r1. what is r1? r. 1/4 pi epsilon 0 q2 dash upon 2r. correct. so 4 pi epsilon 0 cancel, r और r cancel. so q2 dash is 2 times of q1 dash. correct. Q2 dash is equal to 2 times of Q1 dash. ये 2 वहां पे जाएगा ना, तो 2 times होगा. यहां तक क्लियर? गुड. बट देन व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये याद रखना, वैसे जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है. अब इन टोटल देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज. पहले जितना टोटल चार्ज था उतना ही टोटल चार्ज अभी भी है. सिर्फ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे गया तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बट टोटल चार्जेस कांस्टेंट. तो आप बोल सकते हो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. तो इट कैन ओनली गो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर. तो टोटल इनिशियल चार्ज q इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज q फाइनल. व्हाट इज q इनिशियल? q1 प्लस q2. व्हाट इज q फाइनल? q1 डैश प्लस q2 डैश. राइट. बट व्हाट वाज q2 इफ यू रिमेंबर? 4q1. 4q1. व्हाट इज q2 डैश? 2q1 डैश. तो ये आ जाएगा 5 q1, ये आ जाएगा 3 q1 dash. right.
तो Q1 इज 3 by 5, ठीक है। फिर मैं काम करता हूं, मैं Q1 डैश लिखता हूं। What is Q1 डैश? 5 by 3 Q1. What is charge? Charge is sigma 4 pi r square. But new sigma मतलब sigma dash, new surface charge density. अभी बोलोगे new surface charge density क्यों आया? Charge का redistribution हुआ. Redistribution हुआ मतलब क्या? Charge एक जगह से दूसरी जगह पे गया, मतलब there is change in the location of charges, तो density will change. Density change हो गया, तो 5 by 3. What is Q1? What is Q1? Sigma 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi r square. You have sigma dash equal to 5 by 3 sigma. 5 by 3 sigma. Right? Correct. तो 5 by 3 sigma. ये आ गया आपके पास 5 by 3 sigma. देखा क्या पहला ऑप्शन 5 by 3 sigma? Yes. Right? अब आप बोलो कि ये तो एक ही आया। हाँ एक ही आया। क्यों एक ही आया? क्योंकि आपने Q1 मतलब आपने सिग्मा 1 डैश सॉल्व किया। दिस इज सिग्मा 1 डैश। हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज सिग्मा 2? अभी तो लिखा था कि नहीं? अभी लिखा था। व्हाट इज Q2 डैश? अरे अभी लिखा Q2 डैश कितना है? 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। करेक्ट। तो सेकेंड कंडक्टर का अगर फाइंड करना है आपको Q2 डैश सिग्मा 2 डैश 4 pi r, इसका r कितना था? 2 r, तो 4 pi 2 r square. व्हाट इज Q1 डैश? सिग्मा डैश, अरे सिग्मा डैश बराबर है क्यू सिग्मा 4 pi r square. 4 pi 4 pi कैंसल, क्लियर। तो यह आ जाएगा सिग्मा 2 डैश 4 r square इक्वल टू 2 सिग्मा डैश। बट वो सिग्मा डैश अभी फाइंड किया ना, 5 by 3 sigma और r square भी 1 and ये 2 का आ जाएगा वहां पे, तो क्या आएगा 5 by 6 sigma, राइट। तो 5 by 3 sigma एंड 5 by 6 sigma। तो वापस समझ लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी है। चार्ज इज सिग्मा इंटू 4 pi r square, क्लियर। चार्ज इज सिग्मा इंटू 4 pi r square, इज दिस क्लियर? यस। तो Q1 इज सिग्मा 4 pi r1 square, r1 कितना है? r square. Q2 इज सिग्मा 4 pi r2, r2 कितना है? 2 r square. Q2 इज ये 2 का स्क्वायर 4 को बाहर निकाल लिया, सिग्मा 4 pi r square, लेकिन सिग्मा 4 pi r square क्या था? Q1. तो Q2 इक्वल टू 4 Q1. अब जब कांटेक्ट हुआ तो पोटेंशियल सेम हुआ, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा तो क्या मिल गया? Q2 डैश इक्वल टू 2 Q1 डैश। टोटल चार्ज का लॉस नहीं होता है, तो टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल। ये सॉल्व करके आपको मिल गया Q1 डैश इक्वल टू 5 by 3 Q1, राइट। तो सिग्मा 1, क्योंकि चार्ज क्या होता है? सिग्मा इंटू 4 pi r square, तो सिग्मा 1 डैश 4 pi r square। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा 1 डैश इक्वल टू 5 by 3 sigma। ये पहले कंडक्टर का टच करने के बाद का डेंसिटी है। तो दूसरे का कैसे फाइंड करोगे? Q2 डैश इक्वल टू 2 Q1 डैश। व्हाट इज Q2 डैश? सिग्मा 2 डैश 4 pi, रेडियस कितना दूसरे का? 2 r का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? 5 by 6 sigma, डन, गुड। ओके, तो वेल बाय द वे सेकेंड पार्ट सॉल्व नहीं भी करते तो वाज ओके, क्योंकि 5 by 3 sigma एक ही ऑप्शन में था, तो इट वाज जस्ट फॉर श्योरिटी कि 5 by 6 आता है, दैट्स व्हाई वी हैव सॉल्व दिस। बट सेकेंड पार्ट इफ यू डू नॉट सॉल्व, बिकॉज इन ऑप्शन यू हैड ओनली वन ऑप्शन जिसमें सिग्मा 1 डैश वाज 5 by 3 sigma। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अ पैरेलल प्लेट capacitor is made up of 2 dielectric blocks in series, bata diya series mein hai, good. One of the blocks has thickness d1 and other has thickness d2. pehle ka dielectric constant hai kitna? k1. dusra kitna hai? k2, as shown in figure. The arrangement can be thought of, not true of, it can be thought of. तो ये जो अरेंजमेंट है, यू कैन थिंक ऑफ दिस अरेंजमेंट एज सिंगल कैपेसिटर।
तो ये जो अरेंजमेंट है इसको दो की जगह पे एक ही कैपेसिटर मान सकते हो, कैन बी थॉट एज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसमें इसमें जो दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसको आप सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी मान सकते हो एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो वापस मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, इन रियलिटी हमारे पास दो स्लैब है, एक का थिकनेस डी वन है, दूसरे का थिकनेस डी टू है, एक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन है, दूसरे का के टू है। आपको बोला है इस सिस्टम को ऐसा इमेजिन करो कि ये दो नहीं एक ही है। अगर एक है इसका मतलब इन दोनों की जगह पे मैं एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करूंगा। ये सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना होगा? डी, विच इज डी वन प्लस डी टू। करेक्ट, यहां तक क्लियर? ऐसा उन्होंने बोला है। यू टू थिंक इट लाइक दिस, राइट? तो ये सिंगल स्लैब का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम के मान लेते हैं, इफ आई टेक इट टू बी के, तो ये के की वैल्यू, के का फॉर्मूला क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन है। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगेन इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ याद रखना ये सीरीज में पहले से बता दिया। तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 आपको ऑलरेडी पता है, क्या है C1? K1 A1, लेकिन A1 तो A होगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन किस पे है? डिस्टेंस पे, एरिया दोनों का सेम। ε₀ अपॉन D1, इसको D1 ही बोला है, इसको D2 नहीं बोला, दे आर कॉलिंग इट एज D1। सेकेंड होगा K2 ε₀ बाय D2, करेक्ट, अपॉन अपॉन C1 प्लस C2। मतलब ये पूरा का पूरा नीचे लेके आओ, सिर्फ बीच में एक प्लस साइन लिख दो। यहां तक क्लियर, राइट? तो पहला जो कैपेसिटर था, पहला जो डायरेक्ट्रिक स्लैब था, दैट इज K1 ε₀ बाय D1, दूसरा K2 ε₀ बाय D2, नीचे C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दो। देन ऑब्वियसली यू सी समथिंग इज कमिंग आउट कॉमन, ε₀ बाय सॉरी ओनली ε₀। तो यहां पे आएगा K1 ε₀ अपॉन D1 इंटू K2 ε₀ अपॉन D2। डिनोमिनेटर में से यू विल हैव ε₀ कॉमन, और यहाँ पे आएगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2। ε₀ एक और एक कैंसल, राइट? देन व्हाट यू विल हैव इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 अपॉन D1 K2 अपॉन D2 ε₀ अपॉन, नीचे क्या आया? K1 बाय D1, करेक्ट, K1 बाय D1 प्लस K2 बाय D2, क्रॉस मल्टीप्लाई। और बाय द वे इन्होंने बोला है कि पूरे सिस्टम को कैसा ट्रीट करना है, सिंगल स्लैब, और उस सिंगल स्लैब को कांस्टेंट कितना होना चाहिए? K। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को सिंगल स्लैब ट्रीट करता हूं तो फिर मैं सी इक्विवेलेंट को ऐसा लिख सकता हूं कि ε₀ अपॉन D, बट व्हाट इज डी? D1 प्लस D2। तो ऐसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, उन्होंने बोला है कि भूल जाओ यहाँ पे दो स्लैब है, एक ही है। अगर एक है उसका कांस्टेंट कितना है? के। तो मैं क्या लिखूंगा? के ε₀ अपॉन D, लेकिन D क्या है? D1 प्लस D2। दोनों का राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, राइट? तो क्या आएगा? K1 अपॉन D1 K2 अपॉन D2 ε₀ अपॉन अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई K1 D2 प्लस K2 D1 अपॉन D1 इंटू D2 इक्वल टू व्हाट इज दिस? K ε₀ अपॉन D1 प्लस D2, कैंसल एंड कैंसल, करेक्ट, राइट? व्हाट? D1 इंटू D2,
वेट अ मिनट, यस ये तो कैंसिल होगा ही, दैट इज ओके। हमें क्या चाहिए था के, अब डी वन प्लस डी टू को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो के विल बी इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो तो के वन इंटू के टू इंटू डी वन प्लस डी टू अपॉन के वन डी टू प्लस के टू डी वन प्लस के टू डी वन, तो ऐसा आना चाहिए के वन के टू इंटू डी वन प्लस डी टू अपॉन के वन डी टू आना चाहिए। तो यहां पे भी है करेक्शन, के वन डी टू प्लस के वन सॉरी के वन डी टू के टू डी वन, तो के वन डी टू और के टू डी वन, तो विथ करेक्शन यू है ऑप्शन नंबर सी। गुड क्लियर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया 25 मीटर स्क्वायर ईच आर प्लेस 6 mm अपार्ट एंड आर बोथ अर्थ, अर्थ मतलब ग्राउंडेड, दोनों की ग्राउंडिंग की है। अ थर्ड प्लेट आइडेंटिकल विद द फर्स्ट टू, आइडेंटिकल मतलब तीसरे प्लेट का एरिया भी होगा सेम, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स, दोनों में से एक प्लेट से डिस्टेंस 2 mm है तो दूसरे से कितना 4 mm, दो प्लेट में डिस्टेंस कितना था, दो प्लेट में डिस्टेंस कितना था 6 mm, तीसरा प्लेट लिया आइडेंटिकल मतलब एरिया सेम, उसको एक प्लेट से 2 mm पे रख दिया तो दूसरे से कितना 4 mm, राइट एंड इज गिवन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब जो सेकंड बीच में जो प्लेट रखा है इसको 1 कूलम का चार्ज दे दिया, द पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल प्लेट इज, पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल प्लेट। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमारे पास ये एक प्लेट है सम प्लेट नंबर 1, फिर ये सम प्लेट नंबर 3, इसको 2 बोला तो 2 बोल सकते हो, डजंट मैटर राइट। इन दोनों में डिस्टेंस कितना था 6 mm, अब इन दोनों के बीच में एक और प्लेट रख दिया मैंने विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 2 mm, ऊपर की प्लेट से 2 mm तो नीचे की प्लेट से कितना 4 mm, वेरी गुड, तो ये पता होना चाहिए। देन रिमेंबर नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस पे डिवीजन हो तो दे आर इन सीरीज, बट इन दिस केस दे आर नॉट इन सीरीज, दे आर इन पैरेलल, क्यों ऐसा, थिंक पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे किया था आपने, व्हेन बोथ दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स सेम टर्मिनल्स पे हो, एक एक प्लेट एक कॉमन पे और दूसरा प्लेट दूसरे कॉमन पे। तो ये देखो ऐसा है कि ये यहाँ पे एक ग्राउंडिंग है, और अगर यहाँ पे ये ग्राउंडिंग है तो वहां पे भी ग्राउंडिंग है, तो ये पहली बात तो समझ लेना, दिस विल बिकम कैपेसिटर सी वन, दिस विल बिकम कैपेसिटर सी टू, इसका डिस्टेंस था 2 mm, इसका डिस्टेंस है 4 mm, प्लेट नंबर 1, 3 एंड 2, क्योंकि ऐसा दिया है डायग्राम में, इसका मतलब सी वन का एक टर्मिनल ग्राउंडेड है, सी टू का भी एक ग्राउंडेड है, और एक तो कॉमन ही है ना, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल, इट इज नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन, रिमेंबर दिस, दिस इज नॉट अ सीरीज, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक एक पॉइंट ग्राउंड को जा रहा है और एक पॉइंट डायरेक्ट प्लेट ही एक है, प्लेट एक मतलब दोनों में ये पॉइंट भी कॉमन है, तो एक दिस इज अ कॉमन प्लेट राइट एंड अदर रिमेनिंग टू प्लेट्स आर ग्राउंडेड, मतलब दीज आर इन पैरेलल नॉट इन सीरीज, रिमेंबर दिस, जैसे ही मैंने यहां से ग्राउंडिंग हटाया तो फिर बोल सकते हो दे आर इन सीरीज नाउ राइट, तो ये छोटा छोटा चेंज कर देते हैं एंड दे मेक यू कंफ्यूज, तो रिमेंबर दो प्लेट्स दोनों के प्लेट का एक एक प्लेट ग्राउंडेड और एक कॉमन, तो दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट पैरेलल राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या पूछा है आपको, आप पूछा पोटेंशियल, सिंपल यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी, क्यू बाय वी, तो इसको मैं बोलता हूँ सीपी, तो व्हाट विल बी वी, इट विल बी क्यू बाय सीपी, व्हाट इज सीपी, इट इज सी वन प्लस सी टू, what is c1, a epsilon 0 upon d1,
right? What is C2? A epsilon 0 by D2, right? Then, okay, question solve more or less. B equal to Q upon A epsilon 0 upon D1 plus A epsilon 0 upon D2. So V equal to Q upon A epsilon 0 common 1 upon D1 plus 1 upon D2. Clear? Charge कितना बोला है? 1 coulomb. A की वैल्यू कितनी है? 25 meter square. Right? Epsilon 0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 into 10 power minus 12. 1 upon D1. 1 upon D1. D1 कितना था? 2 mm. तो 1 upon D1 मतलब ये 2 mm है. Millimeter. Millimeter मतलब 10 power minus 3. ऊपर जाके 10 power plus 3. 1000. Right? नहीं तो एक काम करना. You can do a very simple thing. 1 plus 1 by 4. दोनों mm में थे तो नीचे 10 power. ये सीधा ऊपर न्यूमरेटर में विदाउट चेंज ऑफ साइन तो 10 पावर माइनस 3 इसको प्लस मत कर देना डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में जाता है तो डू नॉट डू प्लस हियर 10 पावर माइनस 3 रहेगा राइट 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 3 बाय 4 तो 25 इनटू 8.85 ये 10 पावर प्लस 12 ऊपर गया ये आ गया आपका 3 बाय 4 3 बाय 4 क्लियर यहां तक राइट देन इज दिस क्लियर कैलकुलेशन थोड़े से संभाल के 10 पावर प्लस 9 देन यू सी अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे रफली रफली स्पीकिंग दिस इज 9 9 225 into 3 and 4 कितना 4 upon 225 into 3 कितना आता है कितना होता है 4 upon 225 into 3 ये कितना होता है look at the answers first right तो ठीक है अब गड़बड़ है कुछ नहीं कर सकते करना ही पड़ेगा solve क्योंकि very near 2 3 4 6 बाकी सब 10 power 7 volt है तो क्या करोगे what will you do What is to be done? बताओ. How do you find out reciprocals? 4 by 3 का तो चिंता नहीं है. 4 by 3 is 1.33. Right? What is 4 by 3? किसका refractive index होता है? Water. Water. 4 by 3 is water. 1.33. Upon 225. 225 10 power 9 calculations you have to learn how to do calculations वन पॉइंट थ्री थ्री तो ठीक है उसको बाद में कर लेंगे 22.225 इसका रेसिप्रोकल कैसे आता 225 इसके जो दो जीरो है इसको दे दो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 ये आ जाएगा 10 पावर 7 क्यों ऐसा क्योंकि आंसर वैसे भी 10 पावर 7 25 4 का एंड 9 का Correct. What is 4 into 1.33? 5.3 मान लेते हैं 5.3 upon 9 into 10 power 7. ऑप्शन नहीं है ठीक है वी विल चेक वी विल सी बट ये रफली ये 5 बाय 10 है अप्रोक्सीमेटली
0.5 से छोटा 0.4 इंटू 10 पावर 7. सो देयर लुक्स सम मिस्टेक इन द ऑप्शंस. सो लेट अस सी इफ इट इज ऑल करेक्ट या फिर हमने कुछ गलती की. वी विल सी. ओके, तो आंसर तो एग्जैक्ट बोला है, मतलब हमारे कुछ गलती है, चेक कर लेंगे फटाफट से. राइट, तो विल चेक क्विकली. ये था ए एप्सिलॉन 0 डी 1 डी 2, दैट इज फाइन, दिस इज करेक्ट. चार्ज 1 कूलम था क्या? यस, चार्ज कितना है? 1 कूलम है, दैट इज आल्सो करेक्ट. ओके ठीक है. तो लुक, टू मेक कैलकुलेशन लिटिल सिंपल, हम एक चीज कर सकते थे. ये जो डी 2 है कितना है? 4. डी 1 कितना है? 2. डी 2 कितना है? 4. डी 1 कितना है? 2. तो वॉट इज डी 2? 2 टाइम्स ऑफ डी 1. तो डी 2 इज 2 टाइम्स ऑफ डी 1. थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे कैलकुलेशन को. तो यू विल हैव V इक्वल टू Q अपॉन A epsilon 0 1 अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन 2D1. कम से कम यहां तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. राइट, व्हाट इज दिस? 3 बाई 2. 1 प्लस हाफ इज 3 बाई 2. A epsilon 0 3 बाई 2 मतलब 2 बाई 3. करेक्ट, अब सब्स्टिट्यूट करके देखो समझ में आ जाएगा. 2 बाई 3 1, A की वैल्यू 25, epsilon 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, डी 1 की वैल्यू 2 mm मतलब 10 पावर माइनस 3. करेक्ट, क्लियर यहां तक? गुड, फाइन. अच्छे से देख लो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो यस बट दैट इज नॉट राइट. ये क्या है? ये अपॉन डी 1 है. डी 1 इधर नहीं आएगा, डी 1 ऊपर जाएगा. वेरी गुड, तो ये ओवरऑल कहां जाएगा? ऊपर आएगा. फाइन, गुड गुड. देन अब मैंने आपको 3-4 बार बताया है, मे बी मोर, जब नीचे 25 आए तो पहले ऊपर 100 लाके उसको खत्म करो. इफ यू रिमेंबर, कैसे? यू सी, आपके पास आ गया 4 बाय 3, 2 into 2 4 बाय 3. नीचे क्या है? 25 into 8.85. ऊपर क्या था? 10 पावर माइनस 3 था, और ये 10 पावर प्लस 12, प्लस 12 कितना आ गया? 10 पावर 9. तो 10 पावर 9 आया अगर, तो 10 पावर 9 में से 100 अलग कर लो, 10 पावर 7 अलग कर लो, 25 into 8.85 1 and 4. करेक्ट, अब 4 4 16 16 अपॉन लगभग 27. तो हमारा आंसर गलत नहीं है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद द ऑप्शंस, क्योंकि यही तो वी वर डूइंग. अब 3 का टेबल मान लो, 3 5 3 9, हमारा यही आया था 5 by 9. तो वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ऑप्शंस. व्हाट इज 5 by 9? अभी तो बताओ, व्हाट इज 5 by 9? 0.55 into 10 power 7 मतलब 5.5 into 10 power 6. तो बराबर तो है, सिर्फ यहाँ पे पावर की गड़बड़ है. 10 power 6 आना चाहिए, दैट्स इट. सो दिस इज हाउ यू शुड गेट ऑप्शन नंबर ए. तो करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग. दैट्स इट फॉर टुडे.